सो हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। करंट अफेयर फंडा में आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए उसका भी एक और अपडेट लाया हूँ आरआरबी मुंबई की तरफ से, जहां पर जो सीआर वालों का अभी तक डिवीजन अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, और जो अभी तक डब्ल्यूआर वाला के जो कुछ बाकी है उन सभी के बारे में हमने एक बात की है, जो हमसे बात हुई है उनसे, उनका जो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग हुई है जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको पता चला कि आपका जो अभी डिवीजन अलॉटमेंट बाकी है वो कब तक आपका डिवीजन अलॉटमेंट भी हो जाएगा, ज्वाइनिंग भी कब तक हो सकता है कि आ सकती है, एलपी वालों की ज्वाइन अभी तक नहीं आई है तो बहुत जल्दी एलपी वालों की भी ज्वाइन लेटर भाई आना बहुत ही जल्दी शुरू हो सकती है, हो सकता है कि बाई पोस्ट या बाई ईमेल भी आ सकती है। सो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब शेयर कर ले, जिससे रेलवे रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो ना पाए। जी सर, ये इलेक्ट्रिकल वालों का डिवीजन अलॉटमेंट कब तक होगा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र। राजेंद्र, कितना बार फोन करते? सर पहली बार किया मैंने तो आज। पहली बार किया? पहली बार एक ही बार करो और डायरेक्ट अभी लास्ट फरवरी में, लास्ट एंड में करो। अच्छा, फरवरी लास्ट तक? हाँ कंफर्म हो जाएगा ना फरवरी लास्ट तक सर? अभी नौकरी मिला है ना? हाँ नौकरी का अभी करो ना, इसमें क्या पूछने का, जो भी पता चलेगा तभी चलेगा। वो तो ठीक है, वो तो सही है, लेकिन वो क्या थोड़ा परेशान रहते हैं हमारे साथ का, एलपी वालों का हो गया, एसएनटी वालों का हो गया और अदर जोन वालों का हो गया। घाई है उनका, देख के आपको घाई हुआ है क्या सर? उनका हुआ तो आपको घाई हो गई? हाँ वो गांव वाले परेशान करते हैं, अरे भाई अब क्या, अब उनको भी क्या कहे। अभी हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। हाँ वो तो सही है सर, लेकिन अभी एस एन डी के पास 500 है, अपने पास 2000 है, टाइम नहीं लगेगा। हाँ वो तो है, लगेगा नहीं फिर अगर कुछ गलत फहमी हो गई तो। हाँ है वो तो समस्या, आपके नाम के जगह पे दूसरा किसी का नाम रखा तो लफड़ा नहीं होगा? वो तो है लेकिन। हाँ जान दो फरवरी एंड में होगा तो फिर ज्वाइनिंग तो कब तक होगी सर? पता नहीं मुझे, वो नहीं बोल सकता मैं। अच्छा लेकिन अब जून जनवरी फरवरी लास्ट तक हो जाएगा? हाँ सब कुछ चलेगा। ठीक है सर, धन्यवाद जानकारी देने। हेलो। हेलो सर, बोलो। और सर आईटीआई डिवीजन अलॉटमेंट कब होगा? कौन सा रोज है तुम्हारा? डब्ल्यू आर सर, सेंट्रल रेलवे मुंबई का है, डब्ल्यू आर मिला है। मुंबई आ रही है ना, तो फरवरी में आपको गर्मी छुट्टी आ जाएगी। अलॉटमेंट फरवरी लास्ट तक होगी सर? अरे तुमको अलॉटमेंट से क्या करना है, छुट्टी से मतलब है ना, ज्वाइन करना है ना? जी सर। हाँ तो अगले महीना आ जाएगा, ऐसा अलॉटमेंट नहीं होगी क्या उसके लिए? अरे बताए ना, अगले महीना छुट्टी आ जाएगी, मुंबई का मुंबई होता है, क्या अलॉटमेंट चाहिए तुमको उसके आगे? तो जो वेस्टर्न रेलवे जो है कट शिफ्ट ज्वाइन लेटर आएगा डायरेक्ट? हाँ डायरेक्ट मुंबई डिवीजन से आपको लेटर आ जाएगा। तो फरवरी लास्ट तक? फरवरी में कभी भी आ सकते हैं, लास्ट तक ऐसी बात नहीं है। अच्छा लेकिन फरवरी में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो गाइस जैसा कि आपने सुना कि फरवरी लास्ट तक जो है सेंट्रल रेलवे या वेस्टर्न रेलवे जितने भी है इनका डिवीज़न अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ टेक्नीशियन वालों का, तो हो सकता है कि आपको फरवरी के महीने में, लास्ट तक तो नहीं कहा लेकिन फरवरी के 15 तारीख के बाद, ठीक है 15 के बाद हो सकता है कि जितने भी बचे हुए स्टूडेंट डिवीज़न अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है उन सब का डिवीज़न अलॉटमेंट प्लस उतने वो कैंडिडेट जिनका ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं मिला है अभी तक डिवीजन अलॉटमेंट हो जाने के बाद, तो वो सभी का जो है फरवरी की 15 तारीख के बाद जो है ये सारे काम होना शुरू हो सकता है और उनको जो है खुशखबरी मिल सकती है। तो क्या अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा कि हमारे इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिले, कुछ सीखने का नॉलेज मिला हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज, हैव ए नाइस डे।